हेलो और वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज़ शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज़ एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। पहली बार इरफान सामने आए ऑन हिज लंच बॉक्स एंड ऑस्कर कॉन्ट्रोवर्सी एंड दिखाएंगे आपको ऐसी टॉप 10 स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया बज़। फिल्म लंच बॉक्स से जुड़ी ऑस्कर्स कंट्रोवर्सी पर फिल्म के डायरेक्टर की अपॉलोजीज के बाद अब भी फिल्म के डिफेंस में खड़े हैं इरफान खान। जूम के एक एक्सक्लूसिव मुलाकात में पहले बार इरफान ने जताई अपनी नाराजगी। मोर ऑन दिस इन आवर टॉप स्टोरी। मेरे से माफी नहीं मांगी, मेरे से किसी ने माफी नहीं मांगी। इरफान को अभी भी है किसी की माफी का इंतजार। चाहता हूँ कोई मुझसे माफी मांगे, मुझसे किसी ने माफी नहीं मांगी। तो आइए आपको बता देते हैं कि किस मामले में इरफान कर रहे हैं किसी माफी का वेट। वेल, ये वही मामला है जो जुड़ा है उनकी फिल्म लंच बॉक्स और ऑस्कर कंट्रोवर्सी से। FFI ने जब द लंच बॉक्स की जगह द गुड रोड को ऑस्कर एंट्री के लिए भेजा तब मचा बहुत बवाल। करण जौहर, अनुराग कश्यप, नवाजुद्दीन से लेकर फिल्म के डायरेक्टर रितेश बत्रा ने लगाया कमेटी पर काफी इल्जाम, जिसके लिए रितेश बत्रा को बाद में अपोलोजाइज करने के लिए भी कहा गया एंड ही विशफुली डिड द सेम। बट जब जूम ने इस मुद्दे पर इरफान से बात करी तो पहले बार पूरी कंट्रोवर्सी पर इरफान ने दिल खोल कर बात करी। निराश नहीं है, मतलब एक थोड़ा झटका लगता है आपको अगर आपकी फिल्म नहीं जाती है तो, क्योंकि आप फिल्म से अटैच होते हैं, आपको अपनी फिल्म अच्छी लगती है। बट निराशा उससे ज़्यादा इस बात की होती है अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन, अगर उसका इंटेंशन अगर आपको लगे कि उसको टैलेंट को बढ़ावा देना नहीं है, उसके कंसर्न कुछ और है, उससे ज़्यादा धक्का लगता है। अगर आपकी फिल्म ना जाए उसका एक झटका आपको लगता है, आप उसको सह सकते हैं। लेकिन कोई जेन्युइन फिल्म, दूसरी फिल्म जिसमें कि वाकई इस तरह का पोटेंशियल है, अगर वो जाती है तो फिर आपको उतना झटका नहीं लगता है, आपको लगता है कि जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। वैसे हमने इरफान से ये भी जानना चाहा whether he has seen the good road और उनके हिसाब से क्या थी वो one notch up than the lunch box। कैसी लगी आपको? आपको लगता है कि उसमें वो पोटेंशियल था वो फिल्म जाने जैसा? वो फिल्म के बारे में मेरा कमेंट करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेरा कमेंट जो भी मैं करूँगा वो बायस्ड साउंड करेगा। आई थिंक ये ऑडियंस या जो भी समझदार लोग हैं वो देखें और वो जज करें। चलिए, इरफान ने साफ कमेंट करने से तो मना कर दिया, लेकिन उनकी इन बातों से ये बात साफ जाहिर हो गई है कि द लंच बॉक्स डिजर्व्ड अ नॉमिनेशन एंड हाउ डिसअपॉइंटेड ही इज विद द सिलेक्शन प्रोसीजर। फॉर रोशनी दुबे, जूम मुंबई। अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। दोस्त हम स्टार्ट ऑन आवर शो, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। काउंटडाउन नंबर 10 पर वी गेट यू द रीजन व्हाई शाहिद कपूर ऑप्टेड आउट ऑफ मिलन टॉकीज। पर उससे पहले जानिए क्यों प्रियंका ने भी ये फिल्म को करने से कर दिया था इनकार। प्रियंका कर रही थी पहले और उस वक्त इमरान खान थे उसमें, लेकिन कुछ चीज़ें बदली हैं और वो सारी जो कॉम्बिनेशन है एक्टर एक्ट्रेसेस का, वो शायद ना करें। तो अभी मिलन टॉकीज के लिए हम लड़की ढूंढ रहे हैं, इस एक हफ्ते के अंदर डिसाइड हो जाएगी। प्रियंका के मिलन टॉकीज ना करने की कहानी जूम आपको पहले ही बता चुका है, वो भी खुद डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया की जुबानी। और इस न्यूज के बाद जूम को ये भी पता चला कि आखिरकार शाहिद ने भी इस फिल्म से बैकआउट क्यों कर लिया था, और शाहिद के बैकआउट करने का रीजन है दीपिका और अनुष्का शर्मा। सोर्सेस की माने तो जब अनुष्का को ये फिल्म ऑफर की गई ऑपोजिट शाहिद तो उन्होंने साफ मना कर दिया एंड देन द फिल्म वाज लेटर ऑफर्ड टू दीपिका टू व्हिच इवन दिप्स डिक्लाइन द रोल। और जब शाहिद के ऑपोजिट दो रूलिंग लेडीज ऑफ बी टाउन ने ही काम करने से मना कर दिया तो बहरहाल वो भी कैसे पीछे ठहरते, इसलिए उन्होंने भी इस फिल्म को ना करने में ही अपनी भलाई समझी। काउंटडाउन नंबर 9 पर वी गेट यू मलाइका स्टेटमेंट ऑन सलमान्स मैरिज व्हिच क्रिएटेड अ न्यूज। टेंस, व्हाई शुड आई बी टेंस? आई थिंक दैट्स हिज मदर, दैट इज हिज मदर्स जॉब, नॉट माय जॉब। दरअसल मलाइका अरोड़ा खान से जब पूछा गया सिंपल सा सवाल कि उनके ब्रदर इन लॉ सलमान खान कब कर रहे हैं शादी, तो इस सवाल पर मलाइका चोज टू एस्केप बाय सेइंग समथिंग लाइक दैट। टेंस, व्हाई शुड आई बी टेंस? आई थिंक दैट्स हिज मदर, दैट इज हिज मदर्स जॉब, नॉट माय जॉब। आई एम श्योर, नो, आई एम श्योर व्हेन ही इज रेडी टू गेट मैरिड आई एम श्योर ही विल गेट।
पार्टनर? आई थिंक दैट इज अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन, नॉट फॉर मी और फॉर एनीबॉडी एल्स टू आंसर। वैसे भी सलमान की शादी को लेकर हमेशा हेडलाइंस बनती ही रहती हैं, और अब मलाइका का टेक ऑन सलमान्स मैरिज आल्सो मेड अ न्यूज़ ऑन अ काउंटडाउन एंड शी बिकेम द बस मेकर नंबर 9। न्यूज तब भी बनी थी जब अक्षय कुमार की फिल्म बॉस के एक सॉन्ग में वल्गर वर्ड्स यूज किए गए थे, और न्यूज अब भी बनी है जब इसी वल्गर वर्ड्स को यूज करने की वजह से अक्की की फिल्म के अगेंस्ट PIL फाइल की गई है। और काउंटडाउन नंबर 8 पर हम रिकॉल करेंगे इसी कंट्रोवर्सी की डिटेल्स। दरअसल अक्की की फिल्म बॉस में फेमस सॉन्ग पार्टी ऑल नाइट में स्लैंग वर्ड यूज किया गया है। जब इसी टॉपिक पर हमने अक्की से सवाल पूछा था तब उनका कुछ ऐसा कहना था। सुनना तो सुनो, नहीं सुनना ना सुनो, रेडियो बंद कर दो, टीवी बंद कर दो। वेल, तब भले ही अक्की ने हमारी बात को सीरियसली ना लिया हो, पर अब ये इशू सीरियस हो गया है जब दिल्ली हाई कोर्ट ने फाइनली इस सॉन्ग को हटाने के लिए कह दिया है। और अब जब इस वल्गर वर्ड को हटाया जाएगा तभी अक्षय की फिल्म बॉस फुल फ्लेज्ड रिलीज हो पाएगी। अक्की ने हमारी तो बात मानी नहीं, बट अब दिल्ली हाई कोर्ट के इस आदेश को फॉलो करना उनके लिए जरूरी है, जिससे उनकी फिल्म बॉस कॉन्ट्रोवर्सी से बाहर निकल सकती है। फिलहाल ये कॉन्ट्रोवर्सी हमारे काउंटडाउन पर है ऑन नंबर 8। काउंटडाउन नंबर 7 पर आमिर ने अपने परफेक्शनिस्ट चेंजेस बनाकर न्यूज क्रिएट कर दी है। जी हाँ, वेल वी ऑल आर अवेयर दैट आमिर विल बी प्लेइंग अ विलेन इन धूम 3, पर आमिर ने विलेन होकर भी कैसे हीरो की भूमिका निभाई है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल आमिर ने धूम 3 में खुद के इनपुट्स देकर स्क्रिप्ट में किए हैं कई चेंजेस। आमिर भले ही एक विलेन का किरदार निभा रहे हो, पर वो धूम 3 के हीरो बन चुके हैं। जब हमें सोर्सेज से पता चला कि आमिर ने आदित्य चोपड़ा से कहा है कि ही डजंट वांट टू गेट बीटन अप इन द फिल्म लाइक अदर विलेंस। अब हर एक बॉलीवुड फिल्म में वी हैव सीन विलेंस गेटिंग बीटन अप बाय द हीरो, एंड नॉट इवन दैट, हमने तो हीरोज को भी मार खाते हुए देखा है। पर आमिर इस कॉन्सेप्ट से अलग निकलना चाहते हैं, इसलिए ही एडेड हिज क्लॉज ऑफ नॉट गेटिंग हिट बाय अभिषेक इन द फिल्म हु वुड बी सीन प्लेइंग अ कॉप। आमिर की ये परफेक्शनिस्ट चेंजेस देखकर क्या फिल्म की स्टोरी पर होगा कुछ साइड इफेक्ट, ये तो फिल्म की रिलीज के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट इज रूलिंग ऑन नंबर 7 दिस वीक। काउंटडाउन नंबर 6 पर अनीता अडवाणी ने अपने कन्फेशन से न्यूज बनाई। जी हाँ, अनीता जी कुछ दिन पहले सलमान खान के रियलिटी शो से बाहर निकली हैं, पर शो से बाहर निकलते ही अनीता ने सलमान और उनके शो पर लगाया आरोप। क्या थे वो आरोप, आप खुद ही सुन लीजिए। बहुत सारी ऐसी बातें कही जो थी, जो मैं कहना चाहती थी, जो मैं लोगों तक पहुँचाना भी चाहती थी, वो सब बातें एयर नहीं हुई। अनीता अडवाणी ने इस शो पर लेट राजेश खन्ना की फैमिली के साथ जुड़ी कंट्रोवर्सी से चल रही बातचीत की थी, बट सलमान के शो पर इन सभी बातों को दिखाया नहीं गया। बट जूम पर अनीता ने हमें बताया कि क्या थी वो बातें जो उन्होंने रियलिटी शो पर करी थी। बहुत सारे टॉपिक्स थे, जैसे कि मेरा केस चल रहा है, मुझे विल की कॉपी नहीं मिल रही, और विल की प्रोबेट क्यों इतनी जल्दी, बिकॉज हम लोग करप्शन पर डिस्कशन कर रहे थे। तो मैंने कहा कि हम, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि विल जो है, जो आज तक किसी के भी 6-8 महीने से पहले प्रोबेट नहीं होती, वो इनकी 29 डेज में क्यों हो गए। और भी छोटी छोटी कई किस्से थे, जो जैसे मेरे साथ हॉस्पिटल में जो इंसिडेंट हुआ था मेरे और डिम्पल के बीच में, वो भी मैं एक बार बातों में कुछ डिस्कस किया था, वो सब एयर नहीं हुआ। काफ़ी चीज़ें हैं जो, जैसे काका जी और मेरी कुछ अच्छी यादें थी, वो भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं एयर हुई। विल की बात के बाद अब अनीता को क्यों ना अपनी बात कहने का वो एक मौका भी दे दिया जाए, जिसे सलमान के शो में उनसे छीनने का दावा अनीता ने किया है। अगर कोई औरत किसी के साथ रह रही है, आप उसका घर तोड़ रहे हैं, तो आप पाप कर रहे हैं। मैंने पाप नहीं किया, मैंने उस आदमी का साथ दिया जो लोनली था, जो अकेला था। हमेशा से दबाया जा रहा है, और प्रॉबेबली हर बार वो लोग सक्सीड भी कर जाते हैं, बिकॉज और भी बहुत इन्फ्लुएंसेस चलती हैं। ठीक है, मैं लड़ रही हूँ अपनी लड़ाई, देखूँगी जब तक जितनी हिम्मत है आखिरी दम तक लड़ूँगी। इस वीक नंबर 5 पर है सोनाक्षी की केयरलेसनेस। वेल यस, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा के फेलियर पर हुई
ब्लेम गेम की कंट्रोवर्सी से बचने के चक्कर में धोखे से सोनाक्षी रिवील कर गई हैं इनका झगड़ा, वो झगड़ा जो कि फिल्म के फेलियर के बाद फिल्म के मेकर्स और एक्टर्स के बीच हुआ। Not that I know of, you know, I mean, everybody has their own equation with people and वो उनकी आपस की बात होती है। सोनाक्षी से हमने एकता कपूर और अक्षय कुमार के कॉन्टेक्स्ट में पूछा कि आखिर सोनाक्षी के पास वो कौन सी जादू की झप्पी है जिनकी वजह से उनकी किसी फिल्म मेकर से अनबन नहीं हो पाती। वरना तो वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा के फेलियर को लेकर रूमर मिल्स की स्प्रेड की हुई खबरें अभी तक गर्म ही हैं। हालांकि बाद में खुद सोनाक्षी कवर अप करने की कोशिश करती रही। फिल्म मेकर से क्लैशेस का एक्सपीरियंस उन्हें इसलिए भी नहीं है कि फॉर्चुनेटली उनकी एक आध फिल्म ही बॉक्स ऑफिस पर फेल हुई है। I try and be cordial with everybody that I work with. At the end of the day, for me, what is most important is not the box office numbers that come, not the way the film is performing at the box office. Halaki, I have seen that much success in the last 3 years. I've seen a lot of success. Itna hi nahi, Sonakshi ne yahan wo kuch tips bhi diye, jinhein ab tak wo apni success ke liye aazmati aayi hain. What is most important is not the box office numbers that come, not the way the film is performing at the box office. Halaki, I have seen that much success. In the last 3 years, I've seen a lot of success in terms of numbers, but that is not really what matters. What matters is ki shooting ka experience kaisa raha, kya mujhe maza aaya, kya maine kuch sikha is film se, kitne naye logo se mili hu main. You know, all of that is very, very important to me. So just to keep that close, I think I've got a really good working rapport with all the people that I've worked with. I don't take my work home. I don't really fraternize with them beyond the point when it comes to work. So it's easier to do it in that way. I mean, it's very, very professional. यानी कि सोनाक्षी की बात से इतना इशारा तो मिल ही गया है कि वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा की टीम में शायद किसी प्रोफेशनलिज्म में कोई कमी जरूर रही होगी, जिसकी वजह से बॉक्स ऑफिस फिगर्स की जगह एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स का झगड़ा सामने आया और इसीलिए बन गई है सोनाक्षी इस वीक की नंबर 5 बज मेकर। Planet Bollywood News में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं में जाएगा as a countdown is not over yet. Well, our countdown is not over yet. अब जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी ज्यादा हॉट एंड सिजलिंग न्यूज पर। You know, I don't think he's yet been allowed to see the special effects. He keeps complaining. शाहरुख खान ऋतिक को अपनी अपकमिंग फिल्म की झलक ना दिखाने की कई बार कम्प्लेन कर चुके हैं, लेकिन बार बार कहने पर भी शाहरुख खान को क्रिश 3 के प्रोमो के अलावा फिल्म की एक ग्लिम्स भी नहीं दिखाई जा रही है। जी हाँ, क्रिश 3 से जुड़ी ये खबर पिछले कई दिनों की गॉसिप बनी है। कहा तो यहाँ तक जा रहा था कि इसकी वजह रावण बनाने वाले शाहरुख खान और ऋतिक के बीच का कॉम्पिटिशन है, लेकिन ऋतिक ने जूम को इस वीक एक्सक्लूसिवली बताया इसका एग्जैक्ट रीजन, वो वजह जिसके चलते क्रिश 3 को स्पेशल इफेक्ट से सजाने वाले रेड चिलीज की VFX टीम के ओनर यानी खुद SRK को अब तक क्रिश 3 के पोस्ट प्रोडक्शन की भनक तक नहीं मिल पा रही है। You know, I don't think he's yet been allowed to see the special effects. He keeps complaining. And I'm like, you know, it's your studio. You know, I haven't stopped anyone. This is the discretion of the team there. Okay. They are very professional and I respect that. That they still haven't shown their own boss the work that they have done. I think they want to surprise him and I think they will. अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मामला किसी गॉसिप का नहीं बल्कि प्रोफेशनलिज्म का है। यानी जहां किंग खान की VFX टीम खुद अपने बॉस शाहरुख खान को क्रिश 3 की झलक नहीं दिखा रही है, वहीं किंग खान भी अपनी VFX टीम के जरिए ऋतिक की फिल्म देखने की जगह खुद ऋतिक और उनके डैड राकेश रोशन से इन्विटेशन मिलने पर क्रिश 3 देखने का वेट कर रहे हैं। इस हफ्ते सलमान बना रहे हैं हेडलाइंस बिकॉज ऑफ हिज स्टिफ विथ हिज कार मेकर्स। दरअसल सलमान खान आजकल अपनी पर्सनल कार के मेकर्स से काफी नाराज हैं, क्योंकि उनकी कार अक्सर खराब हो जा रही है। यही वजह है कि रिसेंटली सलमान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ऐसा लिखा, कल रात को जब गाड़ी बंद पड़ी तो हैड टू टेक अ रिक होम, रियली एंजॉयड द रिक्शा राइड। साथ ही सलमान खान ने अपने इस रिक्शा राइड की वजह भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर बताई, सो काइंड ऑफ पिस्ड विद द एटीट्यूड ऑफ द पीपल एट They have no concept of customer service. The company guy says it's a heavy car, so the brake pads will wear off. तो बस, ट्रक और ट्रेन्स एंड प्लेन्स का रोज बदलते होंगे क्या? मेरी बेचारी पर के हाल खराब है. In the last 1.5 years, 9 times brake pads have failed. एक बारी पूरा सस्पेंशन गया और कल गाड़ी ही बैठ गई.
और अब सलमान खान का यही बयान एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी की वजह बन गया है। दरअसल सलमान खान जिस कार के ओनर हैं, वो कार कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल ब्रांड की है। यही वजह है कि पब्लिकली अपने ब्रांड का इस तरह मजाक बनता देख इस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल खुश नहीं है। और एक न्यूज़पेपर से बात करते हुए इस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव ने कुछ ऐसा कहा। सलमान chose to complain on Twitter instead of reaching out to us. There is a big uproar in the company itself, but a problem in suspension is normal occurrence in a 3-year-old car. He's a big celebrity, so he can make a hue and cry. If he get the required parts on time, Salman will get his car back in the next couple of days. Well, अब जब सलमान के खिलाफ कोई कुछ बोले तो सलमान भला कैसे चुप रह सकते हैं। सलमान खान ने कंपनी के स्टेटमेंट पर रिप्लाई करते हुए लिखा, कंपनी का ऑफिशियल तो कमाल निकला भाई। 3-year-old car, I guess too old and for years. ऐसे employees होंगे तो RR Tata bye bye. Well, सलमान खान और उनकी कार के मेकर्स का ये झगड़ा आज हर जगह हेडलाइंस बना रहा है। और ऐसे में ये भी बात साफ हो गई है कि सलमान खान जो भी करते हैं उससे न्यूज तो बन ही जाती है। And that's why he's on number 3 this week. इस वीक नंबर 2 पर है दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह फॉर देयर ब्रूइंग लिंक अप रूमर्स। दरअसल पिछले दिनों जब रणवीर डेंगू के चक्कर में हॉस्पिटलाइज हुए थे तब सुनने में आया था कि दीपिका कई दिनों तक रणवीर की नर्सिंग के लिए हॉस्पिटल में ही रुकी थी। इन्हीं खबरों का पीछा करते करते हमें सोर्सेज से पता चला है कि रणवीर सिंह के हॉस्पिटलाइज होने के दौरान एक फिल्म के सेट पर दीपिका का हो रहा था इंतजार। सोर्सेज से पता चला है कि जहां दीपिका अपना गोवा शेड्यूल छोड़कर रणवीर के पास थी वहीं वो कोई और नहीं बल्कि खुद रणवीर सिंह ही हैं जिन्होंने दीपिका को गोवा जाने के लिए इंसिस्ट किया। रिपोर्टेडली रणवीर सिंह को दीपिका की डेट डायरी अच्छी तरह पता है, इसलिए उन्होंने दीपिका को समझाया कि दीपिका को उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो हॉस्पिटल में हैं और जल्द ही ठीक हो जाएंगे। पर दीपिका हॉस्पिटल में और भी ज्यादा दिन तक रुकी रही। रणवीर के बहुत समझाने के बाद दीपिका गोवा शूटिंग शेड्यूल के लिए तैयार हुई। वैसे भी जिस दिन रणवीर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए उसी रात की फ्लाइट से दीपिका के सडन मुंबई विजिट की खबर भी आई और साथ ही विद इन फ्यू डेज रणवीर सिंह का एक मुंबई रैली को दिया हुआ कोट भी सामने आया। मैं बहुत खुश हूँ एंड आई फील इफ दिस इज नॉट बीइंग इन लव देन व्हाट इज। वो कौन है नहीं बताऊंगा बट कुछ तो है। इट्स गुड, इट्स रॉकिंग, आई लव बीइंग इन लव, इट्स द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड, आई हैव नेवर फेल्ट लाइक दिस बिफोर। मैं कुछ और बोलूंगा नहीं, एस मुझे नजर बहुत लगती है। बॉम्बे टाइम्स के फ्रंट पेज पे मेरी फोटो आ गई, सोचो मुझे मच्छर ने काट दिया। तो रणवीर सिंह और दीपिका की ऐसी खबरें बनी हमारे काउंटडाउन की नंबर 2 बज मेकर। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन की टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया मैक्सिमम बज। वेलकम बैक, नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर की जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया मैक्सिमम बज। लेट्स फाइंड आउट। इस वीक काउंटडाउन नंबर 1 पर है सलमान खान वंस अगेन एंड दैट टू हिज नेम इज नॉट कनेक्टेड विद शाहरुख दिस टाइम बट विद गुड फ्रेंड आमिर खान। जूम को सोर्सेज से पता चला है कि सलमान अब शाहरुख को नहीं बल्कि आमिर खान को सीधी टक्कर दे सकते हैं। पहली बात तो ये है कि सलमान ने अपनी नेक्स्ट फिल्म मेंटल का नाम बदल कर जय हो रख लिया है और उससे भी बड़ी बात ये है कि सलमान इस फिल्म को इसी साल यानी 2013 में 31 दिसंबर को रिलीज कर सकते हैं। 25 दिसंबर को आमिर खान की फिल्म धूम 3 आ रही है। आमिर की फिल्म की रिलीज के ठीक 5 दिन बाद ही सलमान की फिल्म रिलीज हो रही है, यानी आमिर और सलमान खान की बॉक्स ऑफिस पर होगी सीधी टक्कर। कुछ वक्त पहले प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज ने ही आपको बताया था कि आमिर और सलमान के बीच एक सीक्रेट डील हुई थी जिसमें सलमान इस बात के लिए राजी थे कि जब आमिर की फिल्में आएंगी तो सलमान की फिल्में उसके आसपास रिलीज नहीं होंगी। लेकिन अब सिनेरियो पूरी तरह से बदल गया है। जब से शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के नए नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं और रणबीर कपूर भी बॉक्स ऑफिस पर अब खान्स को सीरियस कंपटीशन देने लगे हैं, तो लगता है सलमान खान ने भी अपनी स्ट्रेटजी बदल डाली है। सलमान के करीबी सोर्सेस ने बताया है कि पिछले कुछ सालों में जब से सलमान सुपरहिट हुए हैं उनकी फिल्में हर साल रिलीज होती रही हैं। 2013 ही एक ऐसा साल है जब सलमान की कोई फिल्म भी रिलीज डेट्स की चार्ट पर नहीं है। सलमान 2013 को खाली नहीं देना चाहते थे, इसलिए प्लानिंग 31 दिसंबर को ही जय हो को रिलीज करने की है। आमिर खान के साथ साथ सलमान की टक्कर बॉक्स ऑफिस पर कटरीना कैफ के साथ भी है, जिनके साथ एक था टाइगर में सलमान फिल्म की ओपनिंग के नए रिकॉर्ड सेट कर चुके हैं। धूम 3 में आमिर खान को लेकर बॉक्स ऑफिस पर
और नए रिकॉर्ड्स बनाने की प्लानिंग को प्रोडक्शन कंपनी यशराज फिल्म्स को भी अब रीवर्क करना पड़ेगा। तो सलमान का ये डिसीजन टू क्लैश विद बड़ी आमिर एट द बॉक्स ऑफिस राइटली मेक्स हिम द नंबर वन बज मेकर दिस वीक। इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म हुई पास और कौन सी हुई फेल, जानिए बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर टुमारो ऑन बी टुनाइट एट 10 PM ओनली ऑन जूम, इंडियाज नंबर वन बॉलीवुड चैनल। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड के और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.